हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में वेलकम करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सीमा हैदर को लेकर, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पंजाब गुरदासपुर से पूनम खन्ना जी। वेलकम सिस्टर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो जी? बस दुआ आपकी। सबसे पहले जय श्री राम। मैं पूनम खन्ना, हिंदुत्व सनातन इंसानियत धर्म की मुख्य समाज सेविका और गो रक्षा राष्ट्रीय महासंघ की राष्ट्रीय प्रचारक और सोशल वर्कर। जी सिस्टर, कल जो है आपने वीडियो देखी होगी, सीमा हैदर की एक वीडियो आई थी जिसमें वो अश्लील डांस कर रही थी, और जो उसके कपड़े थे यानी पहनावा था वो एक भगवा कलर में था, यानी राजस्थानी स्टाइल में। तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो एक राजस्थानी पोशाक है और भगवा रंग है, और ये इन्होंने जब गुरु दक्षिणा इनको मिली थी तब ये इन्होंने ड्रेस तैयार की थी। तो जब ये ड्रेस पहनी गई थी तो ये बकायदा मीडिया में आया था कि इन्होंने पूरे भगवा रंग में ये रंग गई है, ये ड्रेस जो अब अश्लील डांस कर रही है उसी ड्रेस को पहन के। तो ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये राजस्थान का एक पहरावा है और भगवा रंग सनातनी धर्म का रंग है, ये बिल्कुल गलत है। और वो अपने आप को सनातनी कहती है, सनातनी, उनको इतनी समझ नहीं है कि जो गुरु दक्षिणा के लिए जो आपने ड्रेस पहनी थी वही ड्रेस में आप अश्लील सॉन्ग पे डांस कर रहे हो, और ये बहुत गलत है। ये हमारे समाज को एक गलत मैसेज दे रही है और बहुत पूरे हिंदुस्तान को ये गलत मैसेज दे रही है कि वही पोशाक पहन के जो एक हिंदुस्तान की परंपरा, एक राष्ट्रीय पहरावा कह लो उनका है ये, जो मतलब कि राजस्थानी ड्रेस है, और ये बहुत ही निंदनीय है। सीमा जी को इतनी समझ होनी चाहिए कि ये ड्रेस पहन के ऐसे नहीं डांस किया जाता, ये गलत है। और बहुत दुख लगता है, मैं इस चीज का घोर निंदा करती हूँ। पूनम खन्ना सिस्टर जी, ये बताइए, जैसे कि आपने भी देखा होगा काफी वीडियो बन रही कि जो है यानी हैदर के बच्चों को लेकर कि उसे जो है नशा दिया जा रहा, कुछ ऐसे शब्द भी जो है पाकिस्तान की तरफ से आए, और उनकी हालत ठीक नहीं है यानी उनकी जांच होनी चाहिए, इस तरह की बातें चल रही। तो आप इस पर क्या कहेंगे, यानी बच्चों को लेकर हैदर के? बिल्कुल, मैं तो अभी हम थोड़े 2-3 दिन से वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चों के उस डांस कर रही है, खुद माँ भी कर रही है, बच्चे भी ना झूम रहे हैं। मतलब कि एक सबसे छोटी बच्ची है, मैंने नोटिस किया वो बेचारी नॉर्मल नहीं है थोड़ी सी, तो बच्चे जो है वो बेचारे भी एकदम वो इनोसेंट माइनर बच्चे हैं। बच्चों को देख के वो चीज, जो बच्चों के चेहरे हम फेस रीडिंग करते हैं तो उनकी आंखों में जो उदासी है वो खुशी है ही नहीं है, एक वो कह नहीं सकते, क्योंकि एक माँ का जो प्रेशर, माँ जैसे कहती है वैसे करती है, पर माहौल इस तरीके का उसने बना दिया है कि वो पूरे घर में एक डांस, बस सब नाच ही रहे हैं, जैसे पता नहीं वो समझ नहीं आती कि कैसे वो बच्चों की परवरिश कर रही है। एक अच्छी माँ जो होती है उसको होता है मेरे बच्चे बच्चे पढ़े, उनको बच्चों को पढ़ाए, वो चीजों का वीडियो बना के डाले, बच्चों को पढ़ा रही है, अच्छी परवरिश कर रही है, इस तरीके के वीडियो डाले। ये नहीं है कि बच्चों को भी साथ डांस कर रहे हैं, बच्चे झूम रहे हैं, आप खुद झूम रही है, सचिन भी साथ झूम रहा है, पूरी फैमिली उसके सारे जितने रिश्तेदार नंदे हैं सब झूम रहे हैं, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। तो ये चीजों को देख के जो माहौल है उस घर का जो भी है, और बच्चे भी वो बीमार रहते हैं, तो इसलिए हमने ये हमारा ये प्रयास है कि जो बच्चे हैं उसके फादर को मिलने चाहिए। लेकिन हमारा ये भी प्रयास है कि हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी यही कहते हैं कि इनको जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए, इनके बच्चे को भी और इसको भी डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये हमारे समाज में गलत मैसेज दे रही है, जो नाच के ये क्या दिखाना चाहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। सनातनियों की इस तरीके के डांस करके मैसेज, अच्छे अच्छे मैसेज डालिए। आप कभी कहते हो कि मतलब कि मैं सनातनी हूँ, मैंने गुरु दक्षिणा ली है, तो ये सब नाटकबाजियां नहीं अच्छी लगती। आप अगर सनातनी हो तो इस तरीके से अपने, एक औरत एक मर्यादा में रहती है, एक दायरा होता है औरत का, उस तरीके से रहिए। जी 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 बिल्कुल सिस्टर, आप सही कह रहे हैं, मतलब ये तो एक अपमान कर रही है ना, मतलब धर्म का। बिल्कुल वैसे तो बिल्कुल ये अपमान कर रही हूँ। अच्छा, ये बताइए सिस्टर, जैसे कि कल मैच था इंडिया का पाकिस्तान का, और सीमा भी जो है एपी सिंह के साथ यानी लाइव थी एक चैनल पर, और इंडिया जो है उस मैच को जीत चुकी है, और इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया
जो हमारी क्रिकेट टीम जीती है, मैं आपको भी बधाई देती हूँ और पूरे हिंदुस्तान को भी तहे दिल से बधाई देती हूँ कि हिंदुस्तान टीम बिल्कुल जीती है। तो पाकिस्तान भी बहुत अच्छा खेला है। और ये पता है क्या होता है, गेम है, ठीक है, गेम में एक जने को तो हारना ही है, ठीक है, एक जने को जीतना है, तो इस ये तो गेम है, इसको तो हम एक इंजॉय करना चाहिए। और जिस तरीके से ये बयानबाजी देती है कि ये ऐसे होता है पाकिस्तान में, ऐसे होता है, तो ये चीजें गलत है। आप मतलब कल को हमारे हिंदुस्तान से जब जाते तो आप हमारे हिंदुस्तान की बुराइयां करोगे, क्योंकि आप इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान में पैदा हुए हो, वहां पे आप रह के आए हो, आप उसके नहीं बने, पाकिस्तान के नहीं बने, तो हमारे हिंदुस्तान के क्या बन जाओगे? हमारे जो इंसान जहाँ का नमक खाया है, अपने पति की नहीं हुई, अपने कंट्री की नहीं हुई, तो हमारे हिंदुस्तान की क्या होगी? और जो कहती है कि मैं विराट कोहली की वो हूँ, फैन हूँ, ये हूँ, मेरी प्रार्थना लगी है, तो क्या जब पहले ये नहीं आई थी हिंदुस्तान में, तो क्या हमारा इंडिया जीतता नहीं था? इसके जो मतलब की प्रार्थना से इंडिया जीतता है, 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, सारे प्रार्थना करते हैं, सब दुआ करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश सक्सेसफुल हो, सबने प्रार्थना की है, बट अपने आप को ज्यादा वो करती है कि इम्पोर्टेंस देती है, अपने आप को बताती है कि मैं बहुत हिंदुस्तान के लिए लकी हूँ, तो दिस इज रॉन्ग, ये बहुत गलत बात है। और ये अपने आप को ये सब चीजें जो भी कर रही है ना, अपने पब्लिसिटी पाने के लिए, और दूसरा ये कि मैं ऐसे करूंगी तो शायद मुझे भारत में नागरिकता मिल जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे मोदी जी, हमारे सीएम योगी जी, उनको पता है सब कुछ, वो एक एक चीज को जानते हैं और सब कुछ वेरीफाइड हो रहा है, एटीएस की जांच चल रही है और जल्दी इसको डिपोर्ट किया जाएगा। आपने देखा होगा वो जैसे कि टीवी चैनल पे, मतलब कल भी बैठे थे, ओएपी सिंह भी साथ में था, तो वो बार बार ये बोल रही थी कि पाकिस्तान में यानी कोई टीम जो है खेलना पसंद नहीं करती, उधर अगर पाकिस्तान की टीम हार जाती है तो जो है उन पर यानी अटैक करते हैं, गोला बारूद जो है यूज करते हैं, इस तरह की बातें बोल रही। मतलब ये साबित क्या करना चाह रही है जैसे ऐसे बयान ये देके? सिर्फ साबित करना चाहती है, ये तो ये चीजें जो मीडिया में आके ऐसे बयानबाजी दे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकता पाने के लिए कर रही है और कुछ नहीं है। क्या हमें भी सब कुछ पता है हिंदुस्तान और सॉरी पाकिस्तान के क्या हालात हैं, वहां पे क्या चल रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन हम ऐसे मीडिया में आके ऐसे बयानबाजी तो नहीं करते ना। ये सिर्फ बयानबाजी इसलिए दे रही है कि मैं ऐसी बातें करूंगी, उनके ऑपोजिट बातें करूंगी, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करूंगी, तो मुझे एक मतलब की सिंपथी मिलेगी, ठीक है ना, वो तो वो चीज है कि सिंपथी मिलेगी तो सब खुश होंगे, मैं ऐसे कह रही हूँ, और मुझे नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो हिंदुस्तान की सीमा जी, हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी बेवकूफ नहीं है, वो सब कुछ जानती है कौन सही है कौन गलत है। तो आप इस तरह की जो कर रहे हो बयानबाजी कर रहे हो, तो आपका कुछ वो ये सिक्का चलने वाला नहीं है, जिस तरीके से मर्जी आप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके जो बातें का कोई असर नहीं होगा हिंदुस्तान की जनता पर और ना ही हमारी गवर्नमेंट पर। जी जो है यानी नवरात्र शुरू हो चुके, देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अपने हिंदुस्तान की जनता को जय माता की और आपको भी नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, और मैं अपने सारे देशवासियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, अब रामलीला भी स्टार्ट होगी, और रामलीला में हमारे रामायण का पूरा इतिहास बताया जाता है, आपको भी पता है कि राम जी की पूरी जी, कहानी मतलब इतिहास स्टोरी, एक उनका जो किरदार निभाए जाते हैं, लेकिन जो रामलीला वाले जो रामलीला करवाते हैं, सबसे मेरी अपील है कि अश्लील डांस मत करवाइए, जो हमारे बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है और ये बहुत ही गलत मैसेज जाता है, तो जो इतिहास है उसको दोहराइए, बच्चों को बताइए, और घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, क्योंकि हनुमान चालीसा से क्या होता है कि पॉजिटिविटी आती है, और दूसरी बात की एक रामायण गीता, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सब अपने अपने धर्मों को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे पाकिस्तान में कुरान को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको पूरी बच्चों को पता होता है कि नमाज पढ़नी है 5 टाइम, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के बच्चे भी, उनको भी पता चलना चाहिए, वो मोबाइलों पे आजकल सारे बच्चे, चाहे वो कोई भी रिलीजन्स हो, तो मोबाइलों पे ज्यादा वो पकड़ है उनकी ज्यादा, तो हम यही चाहते हैं कि मोबाइलों से पेरेंट्स को बच्चे दूर रखें, बच्चों को दूर रखो, और अपने जो इतिहास है पूरा बच्चों को समझाइए,
जैसे अब नवरात्रे शुरू है, रामायण के बारे में बताइए, कैसे हमारे राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, सीता माता जी कैसे उठा के रावण ले गया था, कैसे उसको फिर दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है। तो ये चीजें हैं, ये सारी बच्चों को इतिहास बताना चाहिए। और मैं दोबारा से अपने पूरे देशवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देती हूँ।